कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन के टाइम में आप लोग जिंदा दिल होंगे और इस लॉकडाउन का एक पूर्ण इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट वन आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट टू दोस्तों। और हम लोग लास्ट प्रॉब्लम, यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कराया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट वर्जन। वो नेक्स्ट वर्जन क्या होगा, चलते हम लोग बोर्ड पे। बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे समझ में आ रहा होगा। यहां पर मैंने क्यू चार्ज दिया, यहां पर फोर क्यू चार्ज दिया, डिस्टेंस एल रखा। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आप देख रहे थे ये दोनों चार्ज फिक्स था, बट इस बार दोनों चार्ज फ्री रखा हूं और पूछ दिया फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट थ्री चार्ज या ऑल द चार्ज लाई इन द इक्विलिब्रियम। पूछ दिया जाता है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट इट सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। पूछा जाता है आपसे कि इसमें तीसरा चार्ज बताओ, वो कौन सा होगा, कहां होगा, कितने परिमाण का होगा और किस प्रकृति का होगा, ताकि तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या किसी डिस्टेंस पे इसको एज्यूम कर लेता हूं लाइक एक्स पे कि कोई चार्ज है कैपिटल क्यू जो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है इसलिए इक्विलिब्रियम बीच में होगा, तो इसके वजह से रिपल्सन होगा, इसके वजह से भी रिपल्सन होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए, क्या ये वाला फोर्स राइट डायरेक्शन लगने वाला फोर्स और लेफ्ट डायरेक्शन लगने वाला फोर्स जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। तो कितना होगा दोस्त, के होगा, क्यू वन होगा, क्यू टू होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, फाइनली के होगा, फोर क्यू होगा और यहाँ कैपिटल क्यू होगा, अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। के कैंसल, क्यू कैंसल, कैपिटल क्यू कैंसल, के कैंसल, क्यू कैंसल, कैपिटल क्यू कैंसल। और रूट ले लेते थे दोस्तों, याद होगा आपको, तो क्या ले लेते थे रूट, तो क्या वन बाय एक्स होता था, क्या टू बाय एल माइनस एक्स होता था। और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या यार टू एक्स होगा, फिर एक्स इधर आ जाएगा एक, तो क्या थ्री एक्स इक्वल टू एल होगा, इसलिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, एल बाय थ्री होगा। क्या ये पोजिशन आ चुका है, बिल्कुल, क्या पोजिशन यहीं पर होगा, तो क्या तीसरा चार्ज जो है क्या वो इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या पहला चार्ज इक्विलिब्रियम में है, कहा नहीं जा सकता, देखते हैं। क्या इसके वजह से चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल लग रहा होगा। क्या फोर क्यू की वजह से भी चार्ज लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, लग रहा होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है और रिपल्सन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या कभी नेट जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन इसको यदि मैं नेगेटिव कर दूं, तो यदि मैंने नेगेटिव कर दिया तो क्या ये अट्रैक्शन होगा, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इसको एक रिपल्सन होगा, राइट डायरेक्शन में फोर्स, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो क्या दोनों बैलेंस होने का संभावना है, बिल्कुल है। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, किसके वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो क्या करना होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट पर। क्या पोजीशन पता चल गया, हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड पर, तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना चाहते हैं, बोलिए इसके वजह से कितना फोर्स लगेगा, लगेगा वो के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन दोस्तों आपको पता है एक्स का वैल्यू कितना है, एल बाय थ्री का होल स्क्वायर, एल बाय थ्री का होल स्क्वायर। दूसरा, इसके वजह से फोर्स कितना है, रिपल्सन फोर्स है, के है, क्यू है, फोर क्यू है, डिवाइडेड बाय कितना है दोस्तों, एल स्क्वायर। तो आप फाइंड करें क्या होगा, के कैंसिल होगा, के कैंसिल होगा, क्यू कैंसिल होगा, क्यू कैंसिल होगा। अब बात करते हैं क्या ये एल स्क्वायर, तो क्या ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या ये नाइन ऊपर चला जाएगा, नाइन क्यू इक्वल टू फोर क्यू, तो क्या यहां से कैपिटल क्यू का वैल्यू निकल गया, फोर क्यू बाय नाइन। लेकिन क्या नेचर नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि पहले ही हमने निकाल चुका हूं, जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम, दूसरा चार्ज या तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। तो क्या वो क्यू का मैग्नीट्यूड निकल गया, बिल्कुल निकल गया। क्या आपने पोजीशन निकाल दिया, हाँ। क्या आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, हाँ। क्या आपने नेचर निकाल दिया, हाँ, क्योंकि ये किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। मैग्नीट्यूड कितना है, फोर क्यू बाय नाइन है, पोजीशन कितना है, एल बाय थ्री है। तो क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में चेक हो चुका है, हो चुका है। क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में चेक हो चुका है, हो चुका है। क्या तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा,
बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल वाले फोर्स होते हैं, वो बराबर और हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया वाले फोर्स होते हैं। तो क्या उस सिस्टम का एफ नेट जीरो होता है? एफ नेट जीरो होता है। तो क्या इस पूरे सिस्टम का क्या एफ नेट जीरो था? एफ नेट जीरो था। जब तीनों का एफ नेट जीरो है, तीन जीरो है और मैंने दो जीरो कर दिया, तो क्या तीसरा को लिखा सकता है 2 + x = 0, और ये दो जीरो हो चुका है तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी क्या होगा? जीरो होगा दोस्तों। मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और हमारा क्या है, दो चार्ज को हमने जीरो शो कर दिया, प्लस इक्विलिब्रियम में चेक कर लिया, तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम में हो जाता है। पॉइंट को थोड़ा सा फिर से आप देखने की कोशिश करिएगा, बातें आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन हम बात करते हैं एक दूसरे प्रॉब्लम पर, क्या नेचर सेम होने पर भी क्या इक्विलिब्रियम बीच में हो सकता है? जरूरी नहीं है। नेचर सेम होने पर इक्विलिब्रियम बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि नेचर अपोजिट होने पर क्या तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में कहां होते हैं। सपोज एक हमने ले लिया +4q और एक हमने ले लिया -q। अब बताइए तीसरा चार्ज कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो। सपोज हमने क्यू लिया, कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। सेम सवाल है कि पोजीशन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है एंड नेचर ऑफ द चार्ज बताना है। तो इस पर हम लोग नेट जीरो करते हैं क्या? इसके वजह से अट्रैक्शन, इसके वजह से अट्रैक्शन, इसके वजह से रिपल्सन। क्या दोनों को बराबर कर लिया जाए? कर लिया जाए तो कितना होगा? के होगा, क्यू होगा, कैपिटल क्यू होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। दोस्त यहां से कितना होगा जरा सोचो, के होगा, 4q होगा और यहाँ पर क्यू होगा। डिस्टेंस कितना होगा? एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। रूट जब लेंगे तो क्या 1/x हो जाएगा, यहाँ पर 2/l + x हो जाएंगे तो क्या ये 2x होंगे और x माइनस होंगे, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा? l होगा। दोस्तों x का वैल्यू कितना हो रहा है? l, कि l डिस्टेंस पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्या पोजीशन आ गया है? हाँ आ गया। तो क्या मैग्नीट्यूड निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या इस चार्ज का इक्विलिब्रियम चेक हो चुका है? तो क्या दूसरा चेक कर लूं क्या? क्या इस पे चेक कर सकता हूँ? दोनों में किसी पर भी चेक आप कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इस पर इक्विलिब्रियम का। तो क्या ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा? कर रहा होगा। ये चार्ज भी इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो क्या इक्विलिब्रियम संभव है? देखते हैं हम लोग क्या होगा, जरा बताओ। इस पे लगने वाला इस चार्ज के वजह से फोर्सेस कितना होगा? के होगा, क्यू होगा, कैपिटल क्यू होगा, अपॉन एल स्क्वायर होगा दोस्तों, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना चुका है? एल स्क्वायर। दूसरा के होगा, 4q होगा और फाइनली क्यू होगा। डिस्टेंस इसका भी एल स्क्वायर होगा। क्या दोनों कैंसल हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। क्या के कैंसल? के कैंसल, स्मॉल क्यू कैंसल। क्यू का वैल्यू कितना होगा? 4q होगा। 4q चार्ज यदि रख देते हैं, तो क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा? हाँ जाएगा। नेचर पे बात करते हैं, क्या ये प्लस है तो क्या इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है? ये प्लस है तो क्या अट्रैक्ट कर रहा है? लेकिन यदि माइनस होता तो ये इसको क्या कर रहा होता? रिपेल कर रहा होता। ये इसको क्या करता? अट्रैक्ट कर रहा होता। इसका नेचर इस बार पॉजिटिव ही होगा। इसका नेचर क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के आप कोई भी सवाल जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम पे आप कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप इक्विलिब्रियम पर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से हो जा रहा होता है। दो चार्ज जब आपके इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं तो तीसरा चार्ज ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में हो जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम हमारा क्या हो रहा होता है? इक्विलिब्रियम में हो रहा होता है। जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और दो चार्ज इक्विलिब्रियम शो कर दिया जाए तो तीसरा चार्ज अपने आप क्या हो जा रहे होते हैं? इक्विलिब्रियम में हो जा रहे होते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि किस तरह के इक्विलिब्रियम में हो जा रहे होते हैं, किस तरह के कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में है और जब हम पुश करते हैं तो कैसे पता चल रहा होता है। मैं आपको दोस्तों एक बात बताया हूँ कि किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में किसी भी चीज को चेक करने का तरीका है कि आप उस चार्ज उस बॉडी को क्या करें, स्लाइटली डिस्प्लेस करें, और उनका टेंडेंसी यदि मीन पर आने को हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा यदि थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए और कहीं और चला जाए फिर आने का कोई चांसेस ही ना हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, फाइनली जब कोई न्यूट्रल पोजीशन पे होता है और जब हम फोर्स लगाते हैं और कहीं और जाके वो सिचुएटेड हो जा रहा हो तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो रहा होता है। लेकिन क्या चार्ज के कंडीशन में क्या पहचान पाएंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है?
यदि आप पहचान पाएंगे तो आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है और मैं आपको लेके चलता हूँ किस पे पहचानने पर कि आपके चार्ज किस तरह के इक्विलिब्रियम में है। तो बस आप लोग देखिएगा कैसे पहचाना जा रहा होता है। एक सवाल आपके सामने, मात्र एक सवाल, बने रहिएगा दोस्तों। क्या है एक सवाल, उसको देखिएगा। वो दोस्त क्या है, मैंने बोल दिया कि ये चार्ज एक क्यू है, ये चार्ज भी क्यू है, डिस्टेंस एल है, दोनों फिक्स्ड है। तीसरा चार्ज कहां रखा जाएगा इक्विलिब्रियम में होगा, आप सब जानते हैं, एल बाय टू पर। एल बाय टू पे रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में होगा क्यू। लेकिन क्या वो इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है। क्या अपनेट जीरो है? हाँ। लेकिन किस तरह का इक्विलिब्रियम में है आपको फाइंड करना होगा कि वो किस तरह के इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि आखिर किसके अलोंग किस इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं। मैं पूछ दिया अलोंग द लाइन जर्निंग द चार्ज, फाइंड विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, या ऐसे देता हूं विच टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम along the line joining the charge. इस चार्ज के अलॉन्ग दो लाइन ज्वाइनिंग है, उसके अलॉन्ग जो है किस तरह का इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा जो है इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा। एक्स डिस्टेंस यदि मैंने चार्ज को यहां ले आया तो क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ये चार्ज करके क्या करेगा, रिपेल करेगा। कौन सा फोर्स बड़ा होगा दोस्तों, एफ वन बड़ा होगा या एफ टू बड़ा होगा? ऑब्वियस है एफ टू बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि यहां से इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। अरे डिस्टेंस कम होगा तो आप जानते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर। डिस्टेंस जिसका कम होगा ऑटोमेटिकली फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब फोर्स यदि बड़ा हो जाएगा तो उसका टेंडेंसी कहां हो जाएगा, मीन की तरफ आने का होगा। क्या मीन के आने तरफ टेंडेंसी वाला फोर्स क्या एफ टू है? एफ टू है। इसलिए जब थोड़ा सा पुश करेंगे तो क्या हो रहा होगा, ये फोर्स बढ़ रहा होगा जो उसको ढकेल रहा होगा किधर आने के लिए, एफ टू की तरफ आने के लिए, मतलब मीन पोजिशन के लिए आने की तरफ। तो दोस्तों आप याद करो मैंने आपको क्या बता रखा हूं कि जब किसी को आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और बार बार उसका टेंडेंसी कहां आने को हो, मीन की तरफ आने को हो, तो वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कैसा इक्विलिब्रियम होता है दोस्तों, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एक सवाल इसी में यदि मैं आपसे पूछ लिया होता, इसी में मैं आपसे पूछ लिया होता कि वर्टिकली चार्ज को क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं वर्टिकली, तो वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होता, क्या प्लस है, क्या प्लस है, बिल्कुल। क्या यहां मैंने फिक्स कर रखा हूं, बिल्कुल फिक्स कर रखा हूं। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक चार्ज दे दिया और इसको मैं कैसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहा हूं। सपोज यहां ले आया एक्स डिस्टेंस, ऊपर जो है मैंने इस प्लस चार्ज को एक्स डिस्टेंस स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा एफ वन। ये चार्ज क्या करेगा, भी एक फोर्स लगाएगा किधर, एफ टू। नेट कहां जाएगा, बीच में जाएगा। आपको लगता है क्या इसका मीन पोजीशन ये था, क्या लगता है ये चार्ज कभी भी आपके पास मीन पोजीशन की तरफ लौट के आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों क्या आप पहचान पाएंगे वो किस तरह का इक्विलिब्रियम में होगा? चलो एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं आपके लिए कि आप पहचान पाए कि वो किस तरह के इक्विलिब्रियम में है। एग्जांपल एग्जांपल दोस्तों ये प्लस है, सपोज यहां पर मैंने माइनस चार्ज देता और इसको अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस कर रहा होता, along the axis, along the horizontal axis दोस्तों, slightly displaced किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि वो किस तरह के equilibrium में है। along the horizontal axis इस चार्ज को slightly displaced किया जा रहा है, distance अब भी l है और मैंने axis को displaced कर दिया, तो क्या होगा, क्या इस पे लगने वाला चार्ज, इस पे लगने वाला चार्ज इसके वजह से attraction होगा, वो F1 होगा। इसके वजह से लगने वाला चार्ज वो कितना होगा, एफ टू होगा। कौन सा फोर्स दोस्तों ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स दोस्तों ज्यादा होगा, जल्दी बताएं, एफ वन ग्रेटर देन होगा। क्यों एफ वन ग्रेटर देन होगा, एफ वन ग्रेटर देन होगा क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है भी है, कितना है, एल बाय टू प्लस एक्स डिस्टेंस है ये। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, एल बाय टू माइनस एक्स डिस्टेंस है। इसका मतलब दोस्त
क्या ज्यादा है, क्योंकि जिसका डिस्टेंस नीचे क्या हो रहा होता है के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर या अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जिसका कम होगा वो फोर्स ज्यादा होगा, वो फोर्स ज्यादा होगा। तो इसका डिस्टेंस कम है और अट्रैक्शन हो रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन क्या मीन पोजीशन मेरा यहाँ है, मीन पोजीशन किधर है, यहाँ पर है। तो जब मीन पोजीशन आपका यहाँ है तो क्या ये चार्ज मीन पोजीशन पे आना चाहता है कि मीन पोजीशन से दूर जाना चाहता है? आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। तो जब मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो ये किस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एक सवाल और लेता हूं दोस्तों ताकि आप पहचान सके वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा। सवाल में किसी तरह का कोई कमी नहीं किया जा रहा होगा, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे कमेंट में आप बताएंगे क्या मैं सीख गया हूं तो प्रॉब्लम की संख्या को कम कर सकता हूं। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो वो भी आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ मुझे इस पे और सवाल का प्रैक्टिस चाहिए, वो आपको अपने ग्रुप्स पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सवाल की संख्याओं की या सवालों की कमी नहीं है, आप केवल सीख जाए इतना ही काफी है। और कुछ लोग को कहते हैं लाइक या शेयर कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, आप केवल सीख जाए इतना ही हमारा मोटिव है। चलिए हम लोग फिर से एक सवाल को लेके चलते हैं। एक प्लस चार्ज ले लिया और एक फिर से प्लस चार्ज ले लिया, जानते हैं हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? एकदम एल बाय टू पर होगा, एकदम एल बाय टू पे होगा। लेकिन इस बार मैंने चार्ज का नेचर बदल दिया, यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया और इसको मैंने वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहा हूँ। वर्टिकली डिस्प्लेस करने पर क्या है? ये इक्विलिब्रियम में होगा। पहले तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, क्यों? क्योंकि ये चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा होगा। एफ नेट जीरो है, इन किस तरह का इक्विलिब्रियम? अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो क्या चार्ज मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया एक्स, क्या माइनस क्यू है, क्या होगा दोस्त? क्या ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा? एरो ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, जल्दी से बोलो। नीचे बनेगा, ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एरो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। क्या इसका एफ नेट नीचे आएगा? बिल्कुल एफ नेट नीचे है। तो क्या मीन पोजीशन यहाँ है? क्या एरो हेड मीन पोजीशन की तरफ आने को उतावला है? बिल्कुल। जब कोई भी चार्ज का एफ नेट मीन की तरफ आने के लिए चाहे तो किस तरह का इक्विलिब्रियम होता है? अस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। तो दोस्त मैं समझता हूं कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। जब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो आपको इसके जस्ट एक अपर लेवल का प्रॉब्लम लेकर जा सकता है कि आप SHM के प्रॉब्लम को समझ सके, सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम को समझ सके। क्योंकि जब तक आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है आप समझ नहीं सकते SHM के प्रॉब्लम को। तो SHM के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बन रहा होता है। लेकिन पहले दोस्त ये समझ लीजिए कि SHM मींस व्हाट, SHM मींस उसमें क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए जा रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज के कॉन्सेप्ट में इसको समझता हूँ। एक सर पेंडुलम मैंने लिया, ये इसका क्या नेचर हो रहा होता है, ये क्या इसका मीन पोजीशन हो रहा होता है? बिल्कुल हो रहा होता है। क्या ये जा रहा होता है फिर आ रहा होता है, क्या आगे जा रहा होता है फिर आ रहा होता है, क्या ये ऐसे ऐसे जा और आ जा रहा होता है, आगे पीछे जा और आ रहे हैं? तो क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, क्या ये मीन पोजीशन होता है, क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है? बिल्कुल होते हैं, ये सब होता है। लेकिन क्या इस पे बेस्ड जो भी चीज हो रहा है उसमें कंसेप्ट क्या काम कर रहा होता है? जब बॉडी एक्सट्रीम की तरफ बढ़ता है, जब बॉडी एक्सट्रीम की तरफ आपका बढ़ता है तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा होता है, यहाँ वी जीरो हो रहा होता है। लेकिन जब वो मीन की तरफ बढ़ता है तो वी बढ़ रहा होता है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। वी मैक्स होते हैं, वी बढ़ रहा होता है और मैक्सिमम होते हैं कहाँ पर? मीन पोजीशन पे। लेकिन उसमें इनर्शिया होता है दोस्तों, क्या होता है? इनर्शिया होता है। इनर्शिया होने की वजह से वो फिर से आगे बढ़ जाता है और फिर इसका वी घटते हुए फाइनली कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन फिर से क्या हो रहा है, जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसका वी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है और मेन पोजीशन पे क्या हो रहा होता है, मैक्सिमम हो जा रहा होता है। फिर से क्या होता है, इसमें इनर्शिया रहता है, रुकते नहीं है, फिर कहां चले जा रहे होते हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जा रहे होते हैं। इस तरह से क्या कर रहा होता है दोस्तों, टू एंड फ्रो कर रहा होता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि मेन पोजीशन पे एफ नेट क्या हो रहे होते हैं, जीरो हो रहे होते हैं। एट ए मेन पोजीशन क्या हो रहा होता है, एफ नेट जीरो हो रहा होता है। एफ नेट जीरो हो गया है और इस तरह से सिस्टम कर रहे हैं।
तो SHM के लिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी थोड़ा सा समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप चार्ज के साथ समझ सके। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये इसका मेन पोजिशन है, और आपने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो क्या ये बॉडी ऊपर आगे पीछे होगा? क्या ये बॉडी आगे पीछे होगा? हाँ होगा। तो क्या ये SHM कर रहा है? कर रहा है। क्या ये वर्टिकली भी हो सकता है? वर्टिकली भी हो सकते हैं। एक बॉडी है जो ये क्या है, मेन पोजीशन, थोड़ा सा खींच करके छोड़ दिया जाए तो क्या ये बॉडी आगे पीछे होने लगेगा? बिल्कुल होने लगेगा। दोस्तों यदि कोई यूट्यूब है उसमें पानी भरा हुआ है, आप क्या करते हैं, पानी का एक लेवल उसको थोड़ा सा हिला देते हैं तो क्या ये पानी ऊपर नीचे होने लगता है? होने लगता है। तो ये ऊपर नीचे होने पर क्या उसका एक टाइम पीरियड होगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक्सट्रीम पे जाएगा और एक फिक्स टाइम इंटरवल में लेफ्ट स्ट्रीम एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पर वो आता जाता रहेगा। तो उस दरमियान जो है जो टाइम गेन होगा उसके टाइम के कैलकुलेशन के लिए SHM में एक रूल्स दिए गए हैं, 2π√m/k। यहाँ पर दोस्त m क्या है, मास है, मास ऑफ द बॉडी है, ये बॉडी का मास ऑफ द बॉडी है, कोई बॉडी का मास है जिस बॉडी को आप SHM कराना चाहते हैं। और ये k क्या है, SHM कांस्टेंट है, SHM कांस्टेंट है। लेकिन स्प्रिंग के बाद में के सेंस में बात करते हैं तो k को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन आपको ये बात ही पता चलना चाहिए कि k को कभी कभी कोफिशियंट ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं या हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाने जा रहे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहे होते हैं, SHM कांस्टेंट हो रहे होते हैं। तो आपको चार्ज पे क्या जब भी एफ नेट जीरो हो रहा होता है क्या वो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम में आ रहा होता है? बिल्कुल। लेकिन इक्विलिब्रियम होने से क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम का SHM परफॉर्म होता है, SHM परफॉर्म पे एक इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जब तक थोड़ा बहुत जो है ना SHM का सिंपल कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा, 11th के प्रॉब्लम को आप 12th के साथ लिंक करने में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में SHM समझाने की थोड़ा सा कोशिश किया कि आप SHM थोड़ा समझ सके, क्या ये चार्ज के साथ कब ऐसा हो रहा होगा। दिखाता हूं मैं कैसे चार्ज के साथ हो रहा होता है, वो प्रॉब्लम आपके सामने होगा। एक चार्ज सिस्टम है, ये फिक्स है प्लस क्यू, ये भी फिक्स है प्लस क्यू, डिस्टेंस 2L है। हम जानते हैं कि कोई एक क्यू चार्ज होगा जो कितने डिस्टेंस पर स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, L डिस्टेंस पर होगा। अच्छा दोस्त ये बताओ ये किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, कमेंट में आप बताएंगे वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल में होगा। वो क्यों होगा इस बात को समझना, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एक जो चार्ज होगा एक रिपल्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया एक्स तक, मैंने क्या किया इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, छोटा सा डिस्प्लेस किया। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि एल के कंपेयर में एक्स आपका बहुत छोटा है, मतलब एल मच मच ग्रेटर देन एक्स है, L एक्स्ट्रा ग्रेटर देन X है। ऐसे सेंस में मैंने जब छोटा सा उसको क्या किया डिस्प्लेस किया तो सोचो क्या चार्ज यहां आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो ये चार्ज उसको क्या कर रहा होगा, एक रिपेल कर रहा होगा, क्या वो F1 होगा? बिल्कुल होगा। ये चार्ज को क्या कर रहा होगा, भी रिपेल कर रहा होगा, क्या वो F2 होगा? होगा। तो क्या इस चार्ज पर F नेट लिखा जा सकता है? अच्छा F नेट तो लिखूंगा, लेकिन कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ऑब्वियस है F1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। क्यों ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से क्या है, कम है। जब कम होगा तो वो फोर्सेस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो रहा होता है, कूलम का सेकंड लॉ से क्या कह रहा होता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द दो चार्जेस। वो दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो रहे होते हैं, विद क्रमानुपाती हो रहे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे होते हैं। इसीलिए डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ जा रहा होता है और डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स घट जा रहा होता है। इसलिए यहाँ पर F1 ग्रेटर देन दोस्त क्या हो रहा है, F2 हो रहा है। लेकिन मुझे लिखना है F2, सॉरी F नेट लिखना है। ये तो पता चल गया जब वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो रहा होगा। कैसे इक्विलिब्रियम में हो रहा होगा, स्टेबल, और स्टेबल में होगा तो क्या होगा दोस्त, जरा सोचते हैं क्या ये SHM कर सकता है, पहले कर सकता है कैसे, जब यहां पर आएगा ये चार्ज को आने नहीं देगा, जैसे इसको नजदीक करता जाएगा उतना कसके ही पुश करता जाएगा, फाइनली जो है कसके लाना भी चाहेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, आगे इसको कसके फेंकेगा, कसके जब फेंकेगा तो वो इतना मीन पोजीशन पे उसका हाईएस्ट स्पीड गेन हो जाएगा, लेकिन उसमें इनर्शिया होगा इसलिए वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो ये चार्ज उसको रोक रहा होगा और रोक करके एक्सट्रीम उसको जीरो कर देगा, लेकिन फिर उसको क्या करेगा, एक रिपेल करेगा और एक फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और यहां पर क्या हो रहा होगा, फिर स्पीड बढ़ रहा होगा, एफ नेट भले जीरो हो जा रहा होगा
मेन पोजीशन पे, लेकिन फिर से वो क्या हो जा रहा होगा, आगे पीछे करता जा रहा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा होगा, मेन पोजीशन के अबाउट एक्चुअली में ये चार्ज क्या कर रहा होगा, टू एंड फ्रो कर रहा होगा। जब वो टू एंड फ्रो कर रहा होगा मीन्स एसएचएम कर रहा होगा। जब वो एसएचएम कर रहा होगा तो क्या उसका टाइम पीरियड होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या टाइम पीरियड का संबंध के लिए क्या हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, एफ नेट। एफ नेट के लिए ध्यान रखना दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है एसएचएम में, के माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स। इसलिए हो रहा होता है कि जब हम किसी स्प्रिंग सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, किसी पर भी एक फोर्स लगा देता हूं एक्स डिस्टेंस, ये एक्स जितना बढ़ता जाएगा उतना एफ नेट होगा। एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो रहे होते हैं, एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो रहे होते हैं, लेकिन यहां माइनस साइन लगाते हैं। क्यों? आप स्प्रिंग को खींचते नीचे हैं, लेकिन वो चाहता कहां आने को है, ऊपर चाहता है। यदि आप स्प्रिंग को दबाते ऊपर है तो वो चाहता कहां है, नीचे आने के लिए। इसलिए उसका टेंडेंसी हमेशा जो है हमारे लाइन ऑफ एक्शन के बिल्कुल अपोजिट हो रहे होते हैं। इसलिए दोस्त जब हम इसको सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो एफ बराबर आ जाता है माइनस के एक्स। यहाँ पर के क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, एस एच एम कॉन्स्टेंट है। यही कॉन्स्टेंट की तरह जो हम लोग इस सवाल को बनाने की कोशिश करूंगा, देखिए कैसे इस तरह के सवाल को बनाया जाता है। मैंने एफ नेट लिखा तो क्या लिख सकता हूँ, एफ टू माइनस क्या एफ वन। एफ टू का वैल्यू कितना होगा, के होगा, क्यू होगा, क्यू टू तो क्यू ही होगा, बट डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक एल था, यहां से यहां तक कितना होगा एक्स होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ वन कितना होगा, के होगा, क्यू होगा, क्यू होगा, और फाइनली एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना था एल था, यहां से यहां तक कितना है एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एल माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है, के क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या इन दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो क्या एल प्लस एक्स इंटू क्या एल माइनस एक्स का पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एक बार जोड़ो एक बार दोस्तों घटाओ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कर रहा हूं। तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, कितना होगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा दोस्त हो रहा होगा। अब इसको हम लोग केवल कैलकुलेट कर लेंगे, चलते हम लोग कोना में कैलकुलेशंस के लिए। तो क्या होगा, के होगा, क्यू स्क्वायर होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्त तो होगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एल एक्स होगा। फाइनली वहां पे भी माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टू एल एक्स होगा, डिवाइडेड बाय कितना हो रहा होगा दोस्त, यहां पे यदि बात करूं तो ये होगा एल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा ये एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सब कैंसल हो जा रहे हैं, ये सब कैंसल हो जा रहे हैं, तो कितना हो रहा है के क्यू स्क्वायर माइनस फोर एल एक्स हो रहा है, टू एल एक्स फोर एल एक्स डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है। लेकिन हमने आपको दोस्त एक बात बता के रखा था, वो क्या बात बता के रखा था कि एल जो है मच मच ग्रेटर देन एक्स है, तो क्या एल स्क्वायर के कंपेयर में क्या एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल होगा। मीन्स एल स्क्वायर के कंपेयर में क्या एक्स स्क्वायर को जीरो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये फॉर्मेट यहाँ जीरो हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर माइनस फोर एल एक्स यहाँ कितना हो जाएगा एल पे, ये जीरो हो गया दोस्त, तो यहाँ कितना हो जाएगा एल पे फोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एल कटेगा तो एल पे क्यू हो जाएगा। फाइनली यहाँ फंक्शन आ रहा है माइनस के क्यू स्क्वायर फोर भी आ रहा है और एक्स आ रहा है डिवाइडेड बाय एल क्यूब आ रहा है। अब ए कितना बराबर आ रहा था, एफ नेट का फंक्शन आ रहा था, एफ नेट के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, लेकिन एस एच एम के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है। अब देखिएगा एफ नेट के लिए कौन सा फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, माइनस फोर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन आप एफ ने एफ एस एच एम के लिए क्या अवेलेबल है, माइनस के ऑफ एक्स, तो क्या एक्स मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो क्या ये एक्स के लिए क्या यहाँ माइनस ही मैच कर रहा है, माइनस ही मैच कर रहा है, तो क्या ये पूरा फंक्शन इक्वेटिंग इक्वेट करने के बाद क्या वही हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना हो रहा है फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये के और ये के में बहुत फर्क है, ये एस एच एम कॉन्स्टेंट है, ये एस एच एम कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये वाला के इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रो स्टैटिक कॉन्स्टेंट है। तो जैसे आप के का वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आपके पास एस एच एम के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा हूं, टाइम पीरियड के लिए एस एच एम जब कर रहा होता है तो क्या उसका फॉर्मूला आपके पास है, बिल्कुल है। क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जल्दी बताएं आप लोग, टू पाई एम बाय के दोस्तों, तो यहां पर रख दिया टू पाई एम का वैल्यू
एम होगा। के का वैल्यू 4k q2, एल स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो क्या इतना सेकंड हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही एक आसान सवाल था और एक स्टैंडर्ड सवाल था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम में, और वो भी एक SHM से रिलेट कर रहा था। एक सवाल और मैं आपको लेके आता हूँ, उसको देखने का कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सवाल होगा वो। अब बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, हर किताब में आपको मिलेगा कि SHM जब वो कर रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड पर बेस्ड कुछ सवाल जो है IIT JEE Main Plus Advanced में पूछे जा रहे होते हैं। तो आप गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, आपको बातें समझ में आएगी। लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, अब भी डिस्टेंस मैंने लिया हूं 2L। आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, L पे होगा। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, L पे होगा। लेकिन यहां पे जो चार्ज है वो मैंने माइनस दिया और इसको मैंने वर्टिकली डिस्प्लेस किया, वर्टिकली स्लाइडली डिस्प्लेस किया हूं एक्स पे। तो क्या चार्ज यहां आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते थे? स्टेबल। क्या छोड़ दोगे तो क्या यहां भी एक सिनेरियो बनेगा, क्या टू एंड फ्रो का, यहाँ पे क्या एक टू एंड फ्रो का सिनेरियो बनेगा? तो क्या उसका टाइम पीरियड पूछ रहा होगा? बिल्कुल पूछ रहा होगा। सेम सवाल टाइम पीरियड पूछना है जब मैं इसको वर्टिकली स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द वर्टिकल एक्सिस कर रहा हूं, तो क्या होगा? ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, इस बार भी क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन ये फोर्स होगा कितना, क्या ये एल है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में होगा। डिस्टेंस तो निकल गया दोस्त, लेकिन क्या यहाँ पे फोर्स निकालना है, एफ निकालना है, और यहाँ भी क्या निकालना है, एफ निकालना है। जरा बोलिए एफ का वैल्यू कितना होगा, क्या के होगा, क्यू स्क्वायर होगा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो ये खुल के कितना होगा, के होगा, क्यू स्क्वायर होगा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इतना तो बात को आप समझते हैं, लेकिन क्या ये दोनों फोर्स एंगल पे लग रहे हैं? हाँ। तो क्या मान लेता हूं कि ये थीटा डिग्री पे लग रहे हैं, तो ये भी कितना डिग्री पे होंगे, थीटा डिग्री पे होंगे। तो क्या फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को याद करिए, जिन बच्चों को यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है, वेक्टर पे मैं एक चैप्टर बना के रखा हूं, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, इस फोर्स को एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, जिसके साथ थीटा बनता है, नहीं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। जिसके साथ थीटा बनता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जिसके साथ थीटा नहीं बनता वो वर्टिकल होता है। तो ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, और ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तो क्या सिमिलर इसका भी होगा रेजुलेशन? हाँ। ये कितना होगा, एफ साइन थीटा, और इसी पर एक फोर्स और कितना होगा, एफ कॉस थीटा। तो क्या ये फोर्स कैंसिल करेगा, क्या अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, क्या इक्वल है, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा कैंसल हो गया। तो एफ नेट दोस्त कितना होगा, एफ नेट को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, 2f cos थीटा। लेकिन यहां मैं माइनस साइन ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब कोई भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन काम कर रहा होता है तो उसका साइन नेगेटिव हो रहा होता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन छोटा सा आपको पता होना चाहिए, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, राइट वे पॉजिटिव, लेफ्ट वे नेगेटिव। इतना ही दोस्तों साइन कन्वेंशन है, दुनिया का कोई भी सवाल आप बना पाएंगे, बस इसको अप्लाई करने आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्या नीचे लग रहा था, बिल्कुल 2। एफ का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा की बातें हो रही है, कोई ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है, ये एक्स है, ये एल है, ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है। इस ट्रायंगल में आपको कह देगा कॉस थीटा लिखने के लिए, क्या होगा दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन कितना होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या कॉस थीटा को रिप्लेस कर लूं, कॉस थीटा को क्या कर लिया जाए, रिप्लेस कर लिया जाए कितना में, एक्स रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना होगा दोस्त, माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स, क्या इसमें पावर 1 है, हाँ, लेकिन रूट हटाने के बाद उसपे पावर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो क्या 1 और हाफ एड हो जाएगा, बिल्कुल एड हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। दोस्तों एक बात और आपको समझने की जरूरत है, वो क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पे गौर से समझिएगा, क्या मैंने आपको बताया हूँ कि एल मच मच ग्रेटर देन एक्स है,
हाँ, तो क्या एल स्क्वायर के कंपेयर में क्या एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो क्या एक्स स्क्वायर को हटा दिया जाए, कितना होगा? माइनस टू के क्यू स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि जीरो हो जाएगा तो एल पे पावर थ्री हो जाएगा। क्या ये एफ नेट था? बिल्कुल था। क्या इसका संबंध एस एच एम वाले एफ नेट के साथ कर दिया जाए? किया जाए। देखते हैं एस एच एम वाले चार्ज के साथ जो है इसको हम लोग कंपेयर करके क्या फाइंड हो रहा होता है, क्या फाइंड हो रहा होता है, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। क्या एफ नेट आपके पास आ चुका है माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एल क्यू। क्या आपको दिख गया के का वैल्यू? एस एच एम के लिए एफ बराबर क्या जानते हैं? माइनस के ऑफ एक्स, माइनस मैच किया, इक्वेट कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट और टू को, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे के का वैल्यू कितना होगा। के का वैल्यू बताया के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, एल क्यू वो रिपीट का ये किए एस एच एम कॉन्स्टेंट है और ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है, दोनों डिफरेंट है। इस के का वैल्यू वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट है, बट इसके का वैल्यू एस एच एम कॉन्स्टेंट जो इतना हो रहा है। लेकिन क्या मुझे टाइम पीरियड चाहिए? मुझे क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। कितना टाइम लग रहा है ऊपर नीचे होने में? तो क्या टी का वैल्यू मैंने क्या बता रखा हूँ, टू पा रूट अंडर एम बाय के, टू पा रूट अंडर एम बाय के। तो एम का वैल्यू बताओ दोस्तों, एम जो भी चार्ज का मास गिवन होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल क्यू हो रहा होगा। क्या दोस्त बहुत ही टफ सवाल था क्या? नहीं, बहुत आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। वो भी स्टैंडर्ड क्यों कहा जाए? क्योंकि वेक्टर का रेजुलेशन जिन बच्चे को कंप्लीट होगा उसे इसमें कोई तरह की समस्या नहीं होगी। जब आप एसएचएम प्रॉब्लम पर सवाल बना लेते हैं तब आपका कुछ सवाल पेंडुलम पर बेस्ड हो रहा होता है, कि पेंडुलम में भी बहुत तरह के सवाल क्या किए जा रहे होते हैं, डिजाइन करे जा रहे होते हैं। तो चलते हैं हम लोग आपके पेंडुलम प्रॉब्लम का। पेंडुलम प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे होते हैं, इसीलिए पेंडुलम प्रॉब्लम आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पेंडुलम प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं हम लोग पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम में दोस्तों क्या हो रहा होता है, सपोज दो चार्ज है, दोनों का नेचर प्लस है, दोनों का नेचर प्लस है दोस्तों, दोनों का नेचर मैंने क्या ले रखा हूं, प्लस ले रखा हूं, और ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है। ये भी चीटर है, ये भी चीटर है। क्या दोनों में रिपल्सन होगा? बिल्कुल होगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि नेचर दोनों का क्या है, सेम है, दोनों प्लस है, रिपल्सन होगा। लेकिन कब तक होता रहेगा? कभी तो रुकेगा, कभी तो रुकेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा? थीटा डिग्री पे आएगा। सपोज मैंने मान लिया थीटा डिग्री पे आएगा। इससे बहुत तरह के सवाल दोस्तों डिजाइन करे जा रहे होते हैं, लेकिन आपको बस केवल कंसर्ट पता होना चाहिए कि करते इसमें क्या है। सपोज इसका चार्ज क्यू है, मास क्या है, एम है। चार्ज क्यू है, मास कितना है, एम है। और आपसे पूछा जाएगा बैलेंसिंग इक्वेशन। जिस बच्चे को बैलेंसिंग इक्वेशन इसमें आ जाएगा उसको सारे तरह के सवाल के समस्या का समाधान करने आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इसके बैलेंसिंग इक्वेशन के पर बेस लिखने के लिए। जरा दोस्त बताइए क्या होगा, इसे लोड दीजिए लग रहा होगा कितना, M of G, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस? क्या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए होगा? क्या ये L होते हैं? L होंगे तो क्या ये हमारा cos कंपोनेंट है, बट ये कैसा कंपोनेंट, साइन थीटा है, तो क्या L साइन थीटा होगा, L साइन थीटा। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक L साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2L साइन थीटा होगा। इन बच्चे जो बच्चा कोई समझ में नहीं आया हम लोग उसको कोना में बताता हूँ, क्या ये L है, क्या ये L है, बिल्कुल, क्या ये थीटा है, बिल्कुल। तो क्या होगा इस, अब हम यहाँ पे लगाता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है बेस है, क्या है हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एल होगा। इसलिए पी का वैल्यू कितना होगा, एल साइन थीटा होगा। लेकिन ये यहां से यहां तक एल साइन थीटा होगा, बट वहां से वहां तक भी कितना होगा, दो होगा। इसलिए हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टूएल्व साइन थीटा हो जाएगा। जब वो टूएल्व साइन थीटा हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, टूएल्व, तो इस पर लगने वाला रिपल्सन फोर्स कितना होगा, के होगा, कितना होगा, के होगा, क्यू स्क्वायर होगा, टू एल साइन थीटा का क्या होगा दोस्त, स्क्वायर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत समझ में आने में, बिल्कुल नहीं। तो क्या मैंने एफ नेट लिख दिया, क्या ये लिख दिया, अच्छा रस्सी पे एक फोर्स लग रहा होता है, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। क्या यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटी फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहे हैं, और एक क्या लग रहे हैं, टेंशन लग रहा है। क्या केवल बॉल ए पे ही लग रहा होगा कि बॉल बी पे भी लग रहा होगा,
बॉल बी पे भी लग रहा होगा, चार्ज बॉल ए पे भी लग रहा होगा और चार्ज बॉल बी पे भी लग रहा होगा। तो क्या इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन का खेल होगा? बैलेंसिंग इक्वेशन का खेल होगा। कैसे? मैं इस फोर्स को रिजोल्व करता हूँ, टेंशन को रिजोल्व कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, टेंशन को रिजोल्व कर रहा हूँ। तो क्या ये थीटा है? तो क्या ये भी थीटा होगा? तो क्या होगा ये दोस्तों? एक ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि थीटा कौन बना रहा है? ये बना रहा है। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? टी कॉस थीटा होंगे, और ये कंपोनेंट कितना होंगे? टी साइन थीटा होंगे। क्या इस पॉइंट में चार फोर्स लग रहा है? एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट डायरेक्शन में और एक राइट डायरेक्शन में। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है, क्योंकि एक जगह पे आकर के वो किसमें आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्स बैलेंसिंग से क्या लिखाएगा? ये टी कॉस थीटा इक्वल टू बताओ एम जी होगा। क्या इक्वेशन एक आ गया? आ गया। दूसरा बताइए दोस्त, क्या होगा? इस तरफ जो फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में वो कितना है? टी साइन थीटा। और इस लेफ्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, के क्यू स्क्वायर एल टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या इक्वेशन दो आ चुका है? क्या इक्वेशन फर्स्ट और दो पता है? तो क्या सवाल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब बात समझाता हूं, इसमें कितने नोन है? कितने नोन है? टी है, थीटा है, क्यू है, एम जी है और एल है। कितने अननोन हो सकते हैं? फाइव अननोन है। कितना पता होगा तो बन जाएगा? कोई भी तीन पता हो तो क्या दो निकल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन कितना है? दो है। इक्वेशन आपके पास दो है, इक्वेशन आपके पास दो है, लेकिन आपके पास अननोन पांच है, तो कोई भी क्या दिया जा सकता है? तीन दिया जा सकता है, क्यू दिया जा सकता है, एम दिया जा सकता है और एल दिए जा सकते हैं। आपसे टी और क्यू पूछे जा सकते हैं, आपको क्यू थीटा क्यू और एम दे सकते हैं, टी और एल पूछे जा सकते हैं। मतलब कोई भी सवाल लोग पूछ ले सकते हैं। तीन चीज दे करके आपसे दो चीज कभी भी पूछे जा सकते हैं, तीन चीज दे करके कभी भी कुछ दो चीज भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप हमेशा टी साइन थीटा इक्वल टू इस तरह के फंक्शन को आप फोर्स बैलेंस करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। लेकिन इस तरह के सवाल को एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ बनाया जा रहा होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम मैकेनिक्स के चैप्टर्स में पढ़ाए जा रहे होते हैं, वो इलेवंथ के सेक्शन है। एक्चुअली इलेवंथ में तो बहुत कम यूज हो रहा होता है, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा ही यूज हो रहा होता है। लेकिन इसलिए हम आपको ये सारे सवाल को एकदम ट्रिक में सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या इस पे लेमिस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है? किया जा सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे दोस्तों। लेकिन लेमिस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको पता भी होना चाहिए कि लेमिस थ्योरम होते क्या है। लेमिस थ्योरम दोस्तों कहा जाता है कि किसी पॉइंट पर तीन फोर्सेस यदि लग रहे हैं, सपोज F1, F2 और एक F3, और इसके सेंटर पे F नेट कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। मीन्स F नेट तीनों फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम यदि क्या हो? जीरो हो। मीन्स सिस्टम किसमें होना चाहिए? सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है दोस्तों, तो क्या काम कर रहा होता है? इस बात को समझते हैं। F1 और F1 के सामने जो दो दो फोर्सेस है F2 और F3, इसके साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा, और F2 जो है जो फोर्स से ऊपर लग रहा है, इसके इसके दो साइड दो जो फोर्स बच रहा है उसके साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और F3 जो है उसके साथ एक फोर्स लग रहा है ऊपर जो एक एंगल बना रहा होगा वो गामा बना रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं लेमिस थ्योरम की। लेमिस थ्योरम की। तो इसमें क्या हो रहा होगा? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मीन्स एफ नेट जीरो होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो लेमिस ने एक कंक्लूजन दिया है। उन्होंने बोला एफ वन डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू एफ टू डिवाइडेड बाय साइन बीटा, एफ थ्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा। इस तरह के एक कंक्लूजन दिए गए हैं। इस पे बहुत बड़े बड़े सवाल बनाए जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये केवल और केवल तभी किए जा सकते हैं जब तीन फोर्स लग रहे हो और तीनों फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम जीरो हो रहा हो। मतलब वो तीनों फोर्स की वजह से वो सिस्टम किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो, तभी जाकर के आप लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले समस्याओं में हम लोग लेमिस थ्योरम से उसको बनाने का कोशिश करता हूँ, कैसे जो है उस तरह के सवाल पर एक लेमिस थ्योरम अप्लाई किए जा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या एक पेंडुलम था, क्या वो थीटा डिग्री पे जाके क्या हो गया था? इक्विलिब्रियम में आ गया था। तो
तो क्या इसका नीचे एमजी काम कर रहा था? बिल्कुल। क्या इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था जो क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर एल टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर काम कर रहा था। क्या ऊपर एक टेंशन काम कर रहा था? क्या आपके पास दो फोर्सेस आ चुके हैं कि तीन फोर्सेस आ चुके हैं? तीन फोर्सेस आ चुके हैं। अब जरा बताओ क्या ये थीटा था? तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होंगे। ये एंगल कितने होंगे? 90 होंगे। तो ये पूरा एंगल कितने होंगे? 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा होगा। क्या एक एंगल निकल चुका है? दूसरा एंगल क्या ये निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। थोड़ा सा एक रेफरेंस लेता हूं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा होगा। 90 प्लस, और ये एंगल कितना होगा दोस्तों? साफ ही दिख रहा है कितना है, 90 है। तो क्या सारे एंगल निकल चुके हैं? हाँ, आप गौर से देखेंगे आपको पता चलेगी सारी बातें। क्या यही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या ये टी लग रहा है? क्या ये एफ ऑफ ई लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है? नीचे क्या लग रहा है? एमजी लग रहा है। क्या ये 90 है? ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है। ये एंगल कितना है दोस्तों? 90 प्लस थीटा है। तो क्या इस कंडीशन पर लेवरेज अप्लाई किया जा सकता है? किया जा सकता है। चलो मैं लिखता हूँ, क्या लिखूं? टी अपॉन साइन थीटा मीन साइन 90। दूसरा क्या लिख सकता हूँ? ये फोर्स लिखो दोस्तों। क्या एफ ऑफ ई कितना एंगल लिखा सकता है? साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल टू इस फोर्स को लिखो तो एम जी अपॉन कितना? साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। दोस्तों टेंशन निकालना हो बराबर कर दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में निकालना हो बराबर कर दीजिए। आपके पास इस तरह के इक्वेशन आ गए हैं, जो चाहिए होगा वो आपके कदमों में होगा, जो चाहिए होगा आपके कदमों में होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैं टेंशन और एमजी वाले टर्म को बराबर करता हूँ तो कितना होगा? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी बाय साइन थीटा इक्वल टू कितना? एमजी बाय साइन 90 दोस्तों, साइन 90। तो ये कितना होगा? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। दोस्तों याद करो ट्रिगो को, सिंपल ट्रिगो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। क्या इसका वैल्यू 1 होगा? तो केवल क्या टी रह जाएगा? हाँ, तो यहाँ कितना होगा? एमजी साइन थीटा। 90 प्लस थीटा में कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा ये दोस्तों, कोऑर्डिनेट साइन का ही रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या टेंशन निकल गया? कितना आसानी से टेंशन निकल गया, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए ही आपके सवाल सॉल्व हो चुके हैं, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए ही आपके सवाल सॉल्व हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको सवाल दे, जब तीन फोर्सेस की बातें हो तो आप उसको इक्विलिब्रियम में ले सकते हैं। एक सवाल दोस्तों मैं आपको और बताता हूँ, पेंडुलम बेस्ड ही, एकदम बिल्कुल पेंडुलम बेस्ड ही होगा, लेकिन उसका मैं नेचर बदल दूंगा, नेचर बदल दूंगा। जैसे सपोज एक वायर, एक जो है ना वाल लेके ऊपर में एल लेंथ का एक बॉल है, इसमें भी चार्ज प्लस क्यू मास एम, इससे भी प्लस क्यू मास एम। डिस्टेंस दोस्तों ले लिया मैंने कैपिटल डी, कैपिटल डी पे है। तो क्या ये दोनों एक पल, एक को नेगेटिव कर लेते हैं ताकि ठीक रहे, एक को पॉजिटिव कर लिया और एक को नेगेटिव कर लिया, तो क्या ये सिस्टम ऐसे हो जाएगा? क्या अट्रैक्शन होगा दोनों में? बिल्कुल। तो क्या चार्ज ऐसे हो जाएगा? तो क्या इस तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? क्या यहाँ पे एक एमजी लगेगा? दूसरा यहाँ पर क्या लगेगा? जल्दी से कमेंट करो, एक टेंशन लगेगा। क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। तो क्या इसको भी लेविस थ्योरम अप्लाई किया जा सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकते हैं। जरा बताओ ये यदि थीटा पे आया, ये भी यदि थीटा पे आया, ये भी यदि कितने पे आए हैं? दोनों यदि थीटा पे आए हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ? क्या ये दोस्त हम जानते हैं साइन थीटा होगा, एल साइन थीटा। तो क्या ये एल साइन थीटा, तो क्या ये भी एल साइन थीटा, दोनों एल साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा जानते हैं? पूरा कितना है? डी। तो क्या एल साइन थीटा माइनस होगा? अच्छा एक बार और एल साइन थीटा माइनस होगा, तो सीधा लिख देता हूँ 2 × एल साइन थीटा। क्या यही डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। डिस्टेंस जब कैलकुलेट हो गया तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लिख सकता हूँ, एमजी लिख सकता हूँ, तो क्या लेमिज भी लगा सकता हूँ? क्या लगा सकते हैं? लेमिज। मैं आपको लेमिज लगा के ही इसको सॉल्व करता हूँ, क्या होगा जरा सोचो। क्या टी लिखाएगा? टी के नीचे कितना एंगल? साइन 90। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ऑफ ई, बट एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ? क्या ये पूरा होगा?
क्या ये 90 है, क्या ये 90 माइनस थीटा है, तो टोटल कितना होगा 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा। एक फोर्स और क्या लिखाएगा जल्दी से बोलो, mg, और इसके पीछे एंगल कितना होगा mg, तो क्या ये एंगल की बातें होगी, तो क्या यहाँ पे एक रेफरेंस 90 प्लस थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। क्या अब दोनों को बनाया जा सकता है, क्या टेंशन इसके टर्म में भी निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता था। टी बराबर कितना होता है कॉफी बोलो दोस्तों, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना डी माइनस 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बहुत आसान सवाल लिया मैंने, एफ ही निकल गया, लेकिन साइन कितना 180, साइन 180 का वैल्यू बताओ दोस्तों कितना होता है, नो चेंज कितना होगा वो साइन थीटा होगा, साइन भी उसी का रहेगा, केवल थीटा पता हो जाए तो क्या ये सवाल बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। या फिर मैंने आपको बताया हूँ कि कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप केवल फोर्स बैलेंस करें और दो इक्वेशंस लिखें, टी साइन थीटा के टर्म में और एक टी कॉस थीटा के टर्म में, आपके पूरे के पूरे इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको दो सवाल और लेके देता हूँ, बहुत ही आसान, एकदम बहुत ही आसान सवाल, देखिएगा क्या होगा वो दोस्तों। इस तरह के सवाल पे जो है ना कुछ छोटे छोटे सवाल भी पूछे जा रहे होते हैं, इक्विलेटरल पेंडुलम के बेस, वो थोड़ा सा एक दो को सवाल देख लीजिए, कुछ छोटे छोटे सवाल क्या होते हैं, कह देगा कि एक पेंडुलम है जिसका बॉब जो है पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है और मास एम है और मास एम है, और ये कह देगा थीटा वन बना रहा है, ये थीटा टू बना रहे हैं, तो ऐसे सेंस में आपको पूछ देगा क्या थीटा वन थीटा टू के बराबर होगा, या थीटा टू पर कमेंट पूछ सकता है, मास को डिफरेंट करके मास से रिलेटेड कुछ बातें पूछ सकता है, लेंथ अभी भी एल है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या सोचना चाहिए, आपके लिए कंसेप्ट मैं दे देता हूँ। आप जानते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस पे भी लग रहा होता है, दोनों जगह लग रहे होते हैं, मास कहाँ लग रहे होते हैं मतलब लोड कहाँ लग रहा होता है, नीचे, इस पे भी लग रहा होता है लोड नीचे, टेंशन इस स्ट्रिंग पर लग रहा होता है। अब आपसे पूछा जाता है थीटा बराबर होगा या छोटा होगा, थीटा पे कमेंट पूछा जा सकता है, मास को डिफरेंट करके थीटा पे कमेंट पूछा जा सकता है, मास को सेम रख के थीटा पे कमेंट पूछा जा सकता है। तो आप देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों फोर्स हमेशा बराबर होते हैं, मतलब एफिनेट इस सिस्टम का एक्शन रिएक्शन की वजह से कितना हो रहा होता है, ऑलमोस्ट जीरो हो रहा होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरी बात है एम जो एमजी और एमजी, यदि दोनों मास बराबर रहा, दोनों बॉडी का यदि मास बराबर रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी बराबर हो जाएगा, और टेंशन भी क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा, जब दो फोर्सेस है तो टेंशन भी ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा थीटा वन थीटा टू बराबर हो जाएगा करेंगे। दूसरा केस, इसी में एक इमेजिन करिएगा कि क्या हो रहा होगा, आपको देखना है अब भी वही है, बट यहां पे मास एम वन दे दिया, मास एम टू दे दिया, ये थीटा वन दे दिया और ये थीटा टू दे दिया, चार्ज एकदम बिल्कुल सेम, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो आप जानते हैं किस फोर्स पर कोई किंतु परंतु नहीं होगा, एफ ऑफ ई दोनों का बराबर होगा, एफ ऑफ ई दोनों का बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बराबर होगा लेकिन ग्रेविटी फोर्स एफ ऑफ जी कितना होगा एम वन जी होगा, और यहां पर भी कितना होगा एफ ऑफ जी एम टू जी होगा। अब बात करते हैं कि एम वन यदि बड़ा हुआ एम टू से, एम वन यदि बड़ा हुआ एम टू से, तो वैसे सेंस में थीटा और थीटा टू पर क्या बात हो रहा होगा, क्या बराबर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा दोस्तों, क्यों, ये तो बराबर है लेकिन जिसका लोड ज्यादा होगा वो बॉडी इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो बॉडी क्या हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब थीटा टू ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा वन से। इस केस के लिए इफ एम टू ग्रेटर देन यदि एम वन हो, तो वैसे केस में क्या होगा,
एम टू शिफ्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये थीटा छोटा हो जाएगा, थीटा टू क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ऐसे केस में थीटा वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा थीटा टू हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपके इस पर पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है। लेकिन जब एक एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है, इस पर एक मैं छोटा सा सवाल आपको डिजाइन करके देता हूं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत काम आ रहा होगा। कह देगा चार्ज क्यू है, मास 4m है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये बेसिकली प्लस चार्ज है। दूसरा भी प्लस चार्ज है, चार्ज सेम है बट मास इसका m है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम दिया, मास इसका m दिया और इसका वेलोसिटी पूछ दिया, ये कितने से रन करेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है, बिल्कुल। तो क्या इस सिस्टम का एफ नेट जीरो है, बिल्कुल। एफ नेट जीरो होने से मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, पी क्या हो जाते हैं कंजर्व हो जाता है। ऐसा इसलिए कि आप जानते हैं एफ नेट यानी फोर्स के लिए क्या लिखा जाता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखे जा रहे होते हैं। किसी का फोर्स यदि जीरो हो जाए किसी सिस्टम का तो ये पी टू माइनस पी वन लिखाएंगे, टी टू माइनस टी वन लिखाएंगे। तो फाइनली इसका भी बैक क्रॉस जीरो होगा, यहाँ पी टू माइनस पी वन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा पी टू इक्वल टू पी वन हो जाएंगे, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे। और आप मोमेंटम को जानते हैं, एम भी एक्चुअली में क्या हो जा रहे होते हैं कंजर्व हो जा रहे होते हैं। तो ऐसे सेंस में आप क्या लगाएंगे एम वन वी वन और एम टू वी टू लगाएंगे। M1 का वैल्यू बताइए दोस्तों कितना है, यहाँ पे 4m है। V1 का वैल्यू कितना है 10 है। M2 का वैल्यू कितना है ओनली m है और V का वैल्यू पता नहीं, ये दोनों m कैंसिल हो जाएंगे इसलिए V का वैल्यू कितना जाएगा 40 मीटर पर। इसका मतलब दोस्त आपको क्या समझना है कि जब क्या हो रहा हो किसी सिस्टम का एफ नेट जीरो हो तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएंगे। मोमेंटम जब कंजर्व हो जाएंगे तो इस बॉडी का मोमेंटम और उस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएंगे बराबर हो जा रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स बराबर होने की वजह से मीन्स मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बात और मैं आपको जोड़ देता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में एक और फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं, वो क्या हो रहा होता है वो देखिएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स जब होता है और जब एफ नेट जीरो हो रहा होता है, पूरे सिस्टम का एफ नेट जब ये जीरो हो जा रहा होता है तो सेंटर ऑफ मास जो है एट रेस्ट में हो जा रहा होता है। सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट में हो जा रहा हो रहा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आरसीएम बराबर क्या हो रहा होता है, आरसीएम बराबर क्या हो रहा होता है एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू इलेवन के कॉन्सेप्ट, यहाँ एम वन प्लस एम टू हो जा रहा होता है। किसी का यदि क्या हो जाए आरसीएम ही यदि जीरो हो जाए तो फाइनली क्या होगा एम वन एक्स वन प्लस क्या होगा एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू हो जाएगा। तो यहाँ से एक फाइनली वैल्यू आएगा एम वन एक्स वन प्लस क्या एम टू एक्स टू इक्वल टू क्या हो रहा होगा जीरो हो रहा होगा। तो एम वन एक्स वन इक्वल टू क्या होगा माइनस एम टू एक्स टू। ये दोस्तों माइनस केवल और केवल किसके लिए आ रहा होता है एक्शन रिएक्शन के लिए आ रहा होता है। बेसिकली आप जब इस तरह का सवाल होंगे तो आप एम वन एक्स वन और एम टू एक्स टू का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं ये 4 kg का है, 4 kg का है और ये इस पोजीशन से कितना डिग्री हो कितना डिस्प्लेस हो जाए 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, कितना मीटर डिस्प्लेस हो जाए, और ये इस तरफ मात्र जो है 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ है तो इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा दोस्तों। तो क्या आपके पास मोमेंटम में क्या सेंटर ऑफ मास को कंजर्व करने के बाद क्या एम वन एक्स वन और क्या एम टू एक्स टू का कंसेप्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या होगा जरा बोलिए क्या होगा, एम का वैल्यू दोस्तों 4 है, एक्स वन का वैल्यू 10 है, यहाँ पे बोलिए एम का वैल्यू पता नहीं है बट डिस्टेंस 20 है तो क्या ही कट जाएगा 2, इसलिए एम का वैल्यू कितना जाएगा 2 आ जाएगा मीन्स 2 kg आ जाएगा। दोस्तों आपके लिए दो इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपको दिया हूँ, जब एफ नेट जीरो हुआ करेगा तो आप क्या करेंगे मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मोमेंटम क्या करेंगे कंजर्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे एम वन बी वन इक्वल टू एम टू बी टू। लेकिन जब सेंटर ऑफ मास भी जब रेस्ट पे होता है तो एम वन एक्स वन और क्या हो रहा होता है एम टू एक्स टू हो जा रहे होते हैं।
दूसरी बात है, जब मैंने पेंडुलम के सवाल के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो जिधर मास ज्यादा होगा उसका क्या हो जा रहा होगा, एंगल छोटा हो जा रहा होगा, और जिधर का मास कम होगा उसका एंगल क्या हो जा रहा होगा, बड़ा हो जा रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। और नेक्स्ट वीडियो अब जस्ट आने ही वाला है, आप इस वीडियो को तब तक एंजॉय करिए।